असलम फ्रेंड्स होप यू एल आर फाइन टूडे वी विल डिस्कस इंटर फिज़िक्स चैप्टर नंबर ट्वेल्व इलेक्ट्रोस्टेटिक सो फ्रेंड्स सिंटेक्स बुक बोर्ड फिजिक्स इंटर फिज़िक्स चैप्टर नंबर ट्वेल्व हम इस्टार्ट कर चुके थे चैप्टर नंबर ट्वेल्व के हमने काफ़ी टॉपिक जो थे डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस क्लासेस में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर ट्वेल्व का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है गोसेसलो सो फ्रेंड्स गोसिस लो जो है वो इंटर के हवाले से भी बहुत इम्पॉटेंट है और एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गोसिस लो के एक दो एम ऐसे होते हैं जो हर साल एग्जाम्स में आ जाते हैं सो so फ्रेंड्स इसको आ, इस गोसेस लो को समझने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके सो so फ्रेंड्स क्या है लो गोसेसलो लो क्या है एक लो है गोसेस लो हम गोसेसलो हम क्यों यूज़ करते हैं गोसेस लो यूज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट इज़ एप्लीकेबल ओनली आर क्लोज सरफेस ओनली ऑन आर क्लोज सरफेस सो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं गोसिस लो का इस्तेमाल करते हैं लो को हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं और लॉ जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली आ क्लोज ओनली ऑन आ क्लोज सरफेस क्लोज सरफेस के ऊपर क्या है गोसिस लो एप्लीकेबल होता है स्टेटमेंट की बात करते हैं द टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रो द क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस hypothetical surface is equal to the total charge enclosed in, in it divided by epsilon naught irrespective of the way in which charge is distributed in it so friend statement mein kya hai? the total outward electric flux passes through the closed hypothetical surface is equal to the total charge enclosed in, in it divided by epsilon naught irrespective of ऑफ द वे इन विच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट सो फ्रेंड इस स्टेटमेंट को समझने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा ये वाली स्टेटमेंट समझनी पड़ेगी ताकि आपको ये वाली स्टेटमेंट क्या हो क्लियर हो सके अब क्या है द टोटल फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सर्फेस एनी साइज एंड शेप इज इक्वल टू वन अपॉन एफ सेलेनो टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस सो फ्रेंड्स यहाँ क्या कहा जा रहा है कि द टोटल फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस मतलब कि टोटल फ्लक्स किसका क्लोज सरफेस का चाहे वो एनी साइज़ कोई भी साइज़ का हो या फिर कोई भी शेप का हो वो बराबर होता है किसके वन अपाउंड एप्सेलेनोट टाइम के वो बराबर होता है वन अपाउंड एप्सैलिनोट टाइम के द टोटल चार्ज इंक्लोज बाई डैट सरफेस और टोटल चार्ज क्या हो इंक्लोज हो उस सरफेस के अंदर सो so फ्रेंड्स अब देखें यहाँ पर क्या है जो टोटल फ्लक्स है ना वो क्या है क्लोज सरफेस के अंदर है चाहे वो सरफेस कौसा कैसा हो एनी साइज कोई भी साइज़ का हो या फिर कोई भी शेप का हो जो बरा बराबर होता है किसके वन अपाउंड एपसाइल नोट टाइम के और उसके अंदर क्या होते हैं टोटल चार्ज इंक्लूज हुए हुए होते हैं सरफेस में सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वाली स्टेटमेंट समझ आई होगी अब इस स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं द टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रो द इनक्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट डिवाइडेड बाय एक्सेलेनोट रिस्पेक्टिव ऑफ द वे इन विच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट कह रहे हैं टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रो द क्लोज हाइपोथेटिकल सर्फेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इन्क्लोज इन इट मतलब कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लग्स हैं ना वो कहाँ हैं थ्रू द क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस के जो कि बराबर है टोटल चार्ज इनकलोज हुआ हुआ है उसमें जो डिवाइडेड होता है डिवाइडेड बाय एपसेलिन नोट से डिवाइडेड किससे होता है एपसेलिन नोट से और इस्पेक्टिव ऑफ द वे इन वे चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इन इट और चार्ज क्या होते हैं इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सो फ्रेंड्स मैथेमेटिकली बात करते हैं हम मैथेमेटिकली गॉसिस गोसेसलो जो होता है वो बराबर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है एपसाइलेनोट के जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं इनक्लोज हुए हुए होते हैं जो सरफेस है ना हमारे पास जो कि जिस अभी हमने क्या बात की थी स्टेटमेंट के अंदर टोटल फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस मतलब कि टोटल फ्लक्स है क्लोज सरफेस का चाहे वो कोई भी साइज़ का हो या फिर कोई भी शेप का हो वो इक्वल होता है वन अपाउंड एपसाइलेनोट टाइम के इसके अंदर क्या होते हैं टोटल चार्जेस जो होते हैं वो इंक्लूज हुए होते हैं उस सरफेस में मैथामेटिकली हमने जब बात की कि जो गोसेस लो है वो क्या वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के जो कि चार्जेस कहाँ हैं इंक्लूज हुए हुए सरफेस में और क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं एपसाइले नोट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अब हमें पता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है एपसाइल नोट के अब क्या है यहाँ पे अब क्या देखें यहाँ पर क्या हो रहा है जो गॉसिस लो में जो चार्जेस हैं वो क्या है इनक्लोज हुए हुए हैं क्लोज सरफेस में और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एपसैलनोट मतलब कि जो गोसेस लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्जेस के है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एफसेलन नोट के हैं जो भी चार्जेस होंगे वो किससे डिवाइड करेंगे एफ्सैलन नोट से डिवाइड करेंगे सो so, फ्रेंड्स हम एक कंसिडर करते हैं कि हमारे पास क्या है क्लोज सरफेस है सही है अब क्या है इसके इन्वर्ट क्या है हमारे पास दो चार्जेस ले लेते हैं अब चार्ज वन और चार्ज टू हमने क्या किया इन दोनों चार्जेस को हमने ले लिया हमने कंसिडर किया अब इसके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज है ठीक है मतलब कि हम कंसिडर क्या करते हैं हम लेते ही हमेशा पॉजिटिव है ठीक है वॉसिस लो अप्लीकेबिली किस पर है पॉजिटिव पर ही है पॉजिटिव चार्ज पर ही है तो हमने क्या किया यहाँ पे क्या लिया पॉजिटिव चार्ज लिया मतलब कि हमने क्या लिया हमने ये चार्ज ले लिया ठीक है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जब हम चार्ज लेंगे तो इसकी जो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या जाएगी आउटवर्ड की तरफ जाएगी अब ये जो है यहाँ पर ये क्या करेगा रिपेल करेगा मतलब कि ये क्या है अभी क्लोज सरफेस के अंदर है तो ये क्या करेगा हमने क्या किया है यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा तो ये क्या करेगा एक दूसरे को रिपेल करेगा और ये आउटवर्ड जाएगा फिर हमने यहाँ रख के देखा तो ये भी फिर यहाँ पर रखा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज है वो कहाँ बन रही है आउटवर्ड जा रही हैं अब देखें अभी हमने बात की थी कि गोसे स्लो जो है वो एप्लीकेबल किस पे होता है क्लोज सरफेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है अब वो क्यों होता है अब हमें पता चला कि जो गोसेस लो होता है जब हम क्या करते हैं चार्जेस को इनक्लोज करते हैं क्लोज सरफेस के अंदर तो वो जो चार्जेस होते हैं उनके जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो कहाँ जाती है आउटवर्ड जाती है ठीक है जब हम टेस्ट चार्ज को यहाँ रखेंगे ये दोनों आपस में क्या करेंगे रिपेल करेंगे तो ये क्या जाएगी आउटवर्ड जाएगी मतलब कि सरफेस से आउटवर्ड जाएगा हमने क्या किया हमने जब दो चार्जेस लिए ये यहाँ चला गया यहाँ चला गया यहाँ चला गया यहाँ चले गया मतलब कि आउटवर्ड चला गया अब हम क्या करते हैं चार्जेस को क्लोज सरफेस में नहीं लेते हम क्या लेते हैं बाहर क्या करते हैं एक चार्ज बनाते हैं चार्ज वन चार्ज टू बनाया मतलब हमने चार्ज बनाया अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कहाँ जा रही है इन्वर्ट जा रही है ठीक है इन्वर्ट जा रही है अब जो गॉसिस लो है वो किस पे एप्लीकेबल है क्लोज सरफेस पे एप्लीकेबल है लो क्या कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट एप्लीकेबल होना क्लोज सर्फेसिव ये किस पे एप्लीकेबल है क्लोज सरफेस के ऊपर एप्लीकेबल है सो फ्रेंड चार्जेस जो होंगे वो इनक्लोज हुए, हुए हुए होंगे इस सरफेस के अंदर अब सरफेस के अंदर जब चार्जेस इनक्लोज हुए होंगे तो जो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कहाँ जाएगी आउटवर्ड जाएगी अगर हम आउटवर्ड चार्जेस बनाएंगे तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो इन्वर्ट जाएगी तो मतलब के जो चार्जेस हैं वो क्या हो डिस्ट्रीब्यूटिव हो मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हों हु. एनी मतलब एनी साइज़ और एनी शेप मतलब कि कोई भी हम सरफेस ले लेते हैं जो कोई भी साइज़ का हो कोई भी साइज़ का हो या फिर कोई भी शेप का हो लेकिन हमें क्या करना है जो चार्जेस है ना चाहे वो क्या हो बाउंडली पैक्ड हुए हुए हों लेकिन कहाँ हो क्लोज सरफेस के अंदर हों या तो क्या हो सरफेस के सेंटर में मौजूद हों या फिर सेपरेट सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट हुए हों लेकिन कहाँ हो क्लोज सरफेस के अंदर हो तो वो किस पे एप्लीकेबल होता है गोसेस लो पर एप्लीकेबल होता है अब हमें पता चला कि जो गोसेस लो है वो एप्लीकेबल है किस पर क्लोज सरफेस के ऊपर चाहे क्लोज सरफेस एनी साइज मतलब कि कोई भी साइज़ का मिल जाए हमें कोई भी शेप मिल जाए लेकिन जो उसके चार्जेस हैं वो कहाँ हों इंक्लूज हुए वो हों सर्फेस के अंदर सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको गॉसेस लो और उसकी स्टेटमेंट समझ आई होगी उसकी एग्जाम्पल भी समझ आई होगी सो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गोसिस लो परेशान नहीं हुईगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेक्चर लेकिन इंटरेस्ट के साथ सुनिएगा सो फ्रेंड्स एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं गॉसिस लो की डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करते हैं हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं एक्सप्लेनेशन है हमारे पास कंसिडर्ड अ क्लोज सरफेस एनी साइज़ एंड शेप कंटेनिंग एन नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज हमने क्या किया हमने कंसिडर्ड किया कि हमारे पास क्या है एक क्लोज सरफेस है चाहे वो कोई भी साइज़ का हो या फिर कोई भी शेप का हो वो कंटेनिंग करता है एन नंबर ऑफ़ पॉइंट चार्ज मतलब कि नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज क्या करता है कंटेन करता है अब हमने क्या किया एक क्लोज सरफेस लिया हमने एनी शेप कोई सी भी शेप का बना दिया और कोई सी भी साइज अब इसमें क्या है चार्जेस इंक्लोज हुए हुए हैं क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री मतलब क्यों एन तक हमने क्या किया चार्जेस बना दिए अब हमें पता है जो चार्जेस हैं वो किसके हैं कंटेनिंग करते हैं एन नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज मतलब कि नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज क्या करते हैं कंटेन करते हैं अब अब क्या करा है? हमने क्या किया इसको डिवाइड कर दिया स्मॉल सेगमेंट में देखें अब क्या है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ सरफेस डिवाइडेड द सरफेस एरिया इन टू स्मॉल सेगमेंट ऑफ डेल्टा ए इस ऑर्डर के मुताबिक हमने क्या किया कैलकुलेट करना है हमें क्या फ्लक्स ऑफ सरफेस सरफेस का फ्लक्स डिवाइड करना है और सरफेस एरिया जो है हमारे पास क्या है इस क्लो ये जो ये जो क्लोज सरफेस है इसको हमने क्या किया है डिवाइड कर दिया है सेगमेंट में सही ना फ्लक्स ऑफ सरफेस को हम क्या करना है डिवाइड करना है इसलिए हमने क्या कर दिया इनको सरफेस एरिया को स्मॉल सेगमेंट के अंदर डिवाइड कर दिया और हमने कंसीडर किया कि जो एक बॉक्स है मतलब कि जो एक स्मॉल सेगमेंट है वो किसके बराबर है डेल्टा ए के बराबर है द फ्लक्स ऑफ वन सच सेगमेंट ड्यू टू क्यू वन इज गिवन बाय अब जो फ्लक्स है ना एक सेगमेंट मतलब कि जो क्लोज सरफेस में जो हमने क्या बनाया सरफेस एरिया को जो हमने स्मॉल सेगमेंट में स्मॉल सेगमेंट में रखा तो हमें पता है कि ये किसके बराबर है डेल्टा ए के बराबर है अब हमने क्या किया इस ये जो ए है ना हमने क्या किया कि इसको क्या करना है हमें इसको कैलकुलेट करना है अब हमने क्या किया एक सेगमेंट ले लिया मतलब कि सरफेस एरिया ले लिया द फ्लक्स ऑफ वन सर्च सेगमेंट ड्यू टू क्यू वन इज गिवन हमारे पास क्या है क्यू वन हमें क्या दे रहा है डेल्टा क्यू डेल्टा फ्लक्स बराबर है ई डेल्टा ए थीटा के ठीक है ना अब ई डेल्टा ए मतलब कि जो डेल्टा फ्लक्स मतलब के फ्लक्स जो, मतलब जो है वो बराबर है ई डेल्टा ए कोस थीटा के अब क्या है फ्लक्स बराबर हो गया ई डेल्टा ए के अब हम क्या करते हैं ये जो हमने छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट बनाए ना सरफेस एरिया को हमने जो स्मॉल सेगमेंट में बनाया है और हमें पता है कि जो सरफेस एरिया है वो किसके बराबर है डेल्टा ए के बराबर है अब हम क्या करते हैं इन सबको एक साथ कैलकुलेट करते हैं जब हम इस इन सबको एक साथ कैलकुलेट करते हैं तो द टोटल फ्लक्स ड्यू टू क्यू वन इज गिवन बाय तो जब टोटल फ्लक्स जो है वह क्यू वन हमें क्या देता है क्या दे क्या दे रहा था जो फ्लक्स है वो बराबर ई डेल्टा ए के अब हमने क्या करना है इन सबको इन सबको क्या करना है फाइंड करने के लिए इन सबको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या लगा दिया एक साइन लगा दिया किसका जो क्या है हमारे पास समीशन ई डेल्टा ए सही है ना हमने क्या किया इधर क्या करा है टोटल फ्लक्स मालूम करा हमने जब टोटल फ्लक्स हम जब फाइंड करेंगे ना तो हमें क्या लग, लगाना पड़ेगा सम्मिशन का साइन लगाना पड़ेगा तो मतलब फ्लक्स बराबर है सम्मीशन ई डेल्टा ए के समिशन बराबर हो गया मतलब कि फ्लक्स बराबर हो गया ई समिशन डेल्टा ए अब हमें पता है फ्लक्स जो है क्यू वन का सो फ्रेंड गॉसिस लो किसके बराबर था फ्लक्स बराबर था क्यू अपाउंड एप्साइलिन नोट के ठीक है ना चार्ज अपाउन एप्साइल एन नोट के बराबर था ना तो मतलब कि जो फर्स्ट फ्लक्स का जो हमने एक सेगमेंट जब हमने क्या करना है कैलकुलेट करना है तो मतलब कि क्यू वन बराबर हो गया एप्साइल एन नोट क्यू वन अपाउन एप्साइल नोट के सिमिलरली फ्लक्स टू बराबर है क्यू टू अपाउन एपसाइल नोट के इसी तरह फ्लक्स थ्री बराबर है क्यू थ्री अपाउन एपसाइल नोट के इसी तरह चलते जाएंगे और इसी तरह फ्लक्स एन मतलब कि नंबर बराबर हैं मतलब जितने भी हैं वो बराबर हैं क्यू एन अपाउन एपसेलन नोट के मतलब कि चार्ज अपाउन एपसेलन नोट के नाव अब अब क्या है नाव टोटल फ्लक्स ऑफ द सरफेस इज गिवन बाय अब हमें टोटल फ्लक्स क्या दे रहा है अब हमारे जो टोटल फ्लक्स है सरफेस पर वो क्या मिल रही है गिवन बाय फ्लक्स बराबर है फ्लक्स वन प्लस फ्लक्स टू प्लस फ्लक्स थ्री प्लस फ्लक्स एन के ठीक है इसी तरह अब हमें अब फ्लक्स वन की वैल्यू क्या आया है फॉर्मूला क्या है क्यू वन बराबर है e, ई मतलब एफ सैल नोट के हमने लिख दिया ठीक है अब क्यू टू का निकालते हैं क्यू टू क्या है और फ्लक्स टू क्या है क्यू टू अपाउन एफ सैल एनोट ठीक है इसी तरह फ्लक्स थ्री क्या है क्यू थ्री अपाउन मतलब कि चार्ज थ्री अपॉन एफ्स एल नोट ठीक है फिर ऐसी हमने डैश डाल दिया क्योंकि ये चलता जाएगा प्लस फिर फ्लक्स एन बराबर है चार्ज एन अपॉन एप्स एल एन नोट के इसी तरह अब क्या करना है एपसेल एनोट क्या है यहाँ पर कॉमन है हमने क्या किया इन सब एक, एक ले लिया इन में से एक कॉमन ले लिया वन अपाउंड एप्सेल एन नोट हो गया और क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस एन क्यू एन आ गया ठीक है ये हमने एज इट इज़ ऐसे लिखा अब ये सब किसके बराबर है क्यू के बराबर है मतलब कि चार्ज के बराबर है ठीक है ठीके? अब इसी तरह फ्लक्स बराबर हो गया वन अपॉन एपसेल एन नोट क्यू के बराबर हो गया मतलब कि ये किसके ये हमने प्रूफ कर लिया कि जो गॉसेस लो है वो क्या है एप्लीकेबल है क्लोज सरफेस के ऊपर सो फ्रेंड्स आई होप आपको गोसेस लो समझ आया होगा अगर मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट की तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा इसीलिए आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है गोसेस लो इसकी स्टेटमेंट और हमने प्रूफ किया है कि गॉसिस लो सिर्फ़ एप्लीकेबल है किस पर क्लोज सरफेस के ऊपर एप्लीकेबल है सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको गॉसिस लो अच्छे से समझ आया होगा पसंद आया होगा अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएँ कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़